अस्सलामु अलैकुम मेरे आर यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ, तबीयत भी मेरी बिल्कुल ठीक है। आगाज़ करते हैं आज की सुबह का। फजर का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ी है और अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी पराठे, उसके साथ चाय, अंडे, जैम, बटर और क्या हुआ? किसने मारा है? किसने मारा है? इतना मेकअप क्यों करके आया सुबह सवेरे से? लिपस्टिक क्यों लगाई है? थैंक यू बेन। बस ऐसे ही। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड। और अंबिया आप करोगे सलाम? यस। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सवेरे ही बच्चों के उठते झगड़े शुरू होना हो गए हैं। देखें जरा क्यों झगड़े हो रहे हैं इनके। ये कौन है इसके अंदर देखो? ये देखें जी जरा, सुबह सवेरे बच्चे इतने फ्रेश होते हैं मेरे, माशाल्लाह से हैप्पी मॉर्निंग होती है इनकी। भूख किस किस को लगी है? मुझे। ज्यादा किसको लगी है? मुझे। क्या खाओगे? अंबिया आप क्या बन रहे हो? इंडियन ऐसे होते हैं? बच्चे आपस में खेल रहे थे, झगड़ा नहीं हो रहा था। मैं समझी ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, इनकी कज़न आई भी है तो ये लोग आपस में फन कर रहे हैं। किस्वा के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, किस्वा घर होगी, अभी खेल रही है। और बाकी अंबिया और फातिमा जाएंगे, आज उनका सेकंड लास्ट पेपर है, उसके बाद फिर वो लोग भी फ्री हो जाएंगे। चलिए मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। सबसे पहले आपने गोल रोटी बेल लेनी है अच्छे तरीके से। इसके ऊपर फिर हमने डालना है थोड़ा सा ऑयल, इतना ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा ऑयल, ठीक है। ऑयल के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा डालना है ऊपर खुश्क आटा, और उसके बाद फिर हमने सारे को कर देना है ऑयल को मिक्स। फिर हम इसको करेंगे ऐसे फोल्ड, फिर यहाँ से करेंगे फोल्ड। अच्छा वैसे ना मेरे बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे पराठे ना बड़े टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, पता नहीं मेरे पराठे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कैमरा देख के। ये देखें ऐसे हमने इसको चकोर बना लेना है और उसके बाद हम इसको बेल देंगे। पहले हम सीधा सीधा इसको ऐसे बेलेंगे और इसके बाद फिर हम ऐसे इसको सीधा सीधा बेलेंगे। हम इसको गोल नहीं बेलेंगे क्योंकि ये चकोर शेड है, तो ये चार कोनों वाला पराठा बनेगा। ये मैंने एक अपने फ्रेंड से सीखा था, वो लोग पठान थे तो वो ऐसे पराठे बनाते थे तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, फिर मैंने उससे ये पराठे सीखे हैं। अगर मेरी पठान फ्रेंड वो देख रही है मेरा व्लॉग तो समझ गई होगी। ये देखें ऐसे, और ये जो इसके कोने हैं ना इसको अच्छे से आपने दबा के नरम वो करना है ताकि ज़्यादा मोटा पराठा ना बने। ये देखें फिर इसको मैंने तवे पे डाल दिया है। ये देखें ये अच्छे से यहाँ से पकेगा तो फिर मैं इसका दूसरा हिस्सा टर्न करके वहाँ से पकाऊंगी। अभी ऑयल नहीं लगाना आपने। अब यहाँ से ये पक गया है, अब मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगी। ऑलरेडी वहाँ पे तेल पड़ा हुआ था तो थोड़ा सा इसके ऊपर लग गया। अच्छा ये जो छोटे छोटे से जर्रे होते हैं ना, आपने इनको पता कैसे हटाना है, मैं आपको इसकी भी तरकीब बताती हूँ आज। ये आपने थोड़ा सा लेना है आटा, ये देखें, और इसके साथ ये देखें हम इसको ये करेंगे ना, तो ये जितने भी ब्लैक 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 कलर के छोटे छोटे से तवे के ब्लैक ब्लैक रह जाते हैं ना पराठों पे बुरे लगते हैं, तो ये देखें इसी आटे के अंदर ही आ जाएंगे, तो ये बहुत प्यारा सा पराठा साफ सुथरा हो जाएगा। क्विक देखें आपको मैंने एक इसके साथ टोटका भी बता दिया। अभी फालसे नहीं खाने बेटा, अभी फालसों का टाइम नहीं है। ये देखें यहाँ से भी थोड़ा सा गल गया, यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है वो लगा, तो मैं इसको भी पहले साफ़ करूँगी क्योंकि जब ये मुँह में आती है ना तो बहुत ही टेस्ट कड़वा कड़वा सा आता है पराठे का। ये देखिए साफ़ हो गया पराठा। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊँगी, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ की है और अब ये दोनों साइड से मैं इसको अच्छे से यमी यमी से बना लूँगी, कड़क कड़क से थोड़े से ना, जब ये रेड हो जाएंगे दोनों साइड से।
बहुत ही आसान है पराठे बनाने। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा कच्चा था तो यहाँ से भी बना लेते हैं। इसके बाद मैं बनाऊँगी चाय, उसके साथ में बनाऊँगी अंडे। सुबह सुबह माय बिजी, औरत की भी क्या ज़िंदगी है ना। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि औरतें घर में करती क्या हैं। कौन कौन मुत्तफिक है मेरी इस बात से। पराठा मेरा रेडी हो गया, ये देखें। शुक्र है आज चकोर बनने से पहले एक दफ़ा पराठे बनाए थे ना तो वो बहुत ही बुरे बने थे, तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे उसमें कि पराठे नहीं आते आपको। ये देखें जी, जो मुझे कह रहे थे ना पराठे नहीं आते, ये देख लें आज बिल्कुल सही बनाए। ये देखें, हाँ वाह, गर्मा गर्मा। ये देखें यहाँ से भी यमी यमी। इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि नाश्ता तो लग रहा है कि यहाँ पर भी बंदा किचन में ना रूम में जाके बेडरूम में एसी लगा के वहाँ पर कुकिंग करे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। फातिमा फेंट के दे रही है मुझे अंडे, अपने लिए अंडे बनाइए। अंडा ले लो, अंडा। गर्मी मुझे इतनी शदीद लग रही है कि मेरे दिल चाह नहीं रहा अंडे बनाऊँ। दिल चाह रहा था कि इसको स्किप कर दो, माइनस ही हो जाए अंडे, ना ही बनाने पड़े गर्मी में। अंडे को भी मैंने रोटी की तरह इतना बड़ा बना दिया, देखें इतना बड़ा अंडा किसी ने देखा होगा। तीन अंडे इसमें, ये एक अंडा नहीं है इतना बड़ा। चाय बच्चों को सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी मैं दे रही हूँ, ये स्कूल जाएंगे तो इनको मैं मिल्क का एक गिलास दूंगी। चले जी, मैं अब नाश्ता कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। फातिमा ने शावर ले लिया, अब रेडी हो रही है स्कूल के लिए। और हम भी खेल रही हैं जब तक। और किस्वा का तो स्कूल है ही नहीं, किस्वा आराम फरमा रही है आज। किस्वा कैसा लग रहा है आपको घर में? पेपर ख़त्म हो गए, आपको मज़ा आ रहा है? किस्वा को मैंने ऑयलिंग की हुई है, अब इसकी छुट्टी है ना तो उसको मैंने ऑयल लगाया हुआ है। किस्वा आपके पेपर कैसे हुए थे? ठीक। अच्छे मज़े के? कौन सी पोजीशन आएगी? नहीं। अभी नहीं पता। चलो जी, अभी आने ये बना रहे। नहीं, मुझे A1 चाहिए। मैंने जितनी मेहनत की है ना, कोई छुट्टी नहीं कराई, डेली ट्यूशन भेजा है। ये जानी मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए आपकी, सेकेंड पोजीशन नहीं चाहिए, A1 चाहिए मुझे। दोनों के रिज़ल्ट, तीनों के रिज़ल्ट, जितनी मैंने मेहनत की है ना, मुझे सारा फल चाहिए अभी आप लोगों का। अभी आप कौन सी क्लास में आ जाओगे? फिर चले गए हैं स्कूल और मैं हो गई हूँ फ्री। ये मेरा टाइम है, थोड़ा सा मैं तैयार भी हो गई हूँ। और ये टाइम मेरे YouTube फैमिली का है। जब तक मैं आप लोगों से बात ना करूँ तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अब ये प्यारा सा टाइम सारा मेरे YouTube फैमिली के लिए है। मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लूँ, काफ़ी दिन से मेरी आपसे काफ़ी बातें भी नहीं हुई, बहुत सारी बातें जमा हो जाती हैं। और जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपना प्यार दिखाएँ मुझे। जो जो लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं उन सबकी सपोर्ट चाहिए मुझे। हर एक से अच्छे इलाके से बात करनी चाहिए, खुश इलाके से बात करनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि खुश इलाके ऐसा अतर है कि जो जितना ज़्यादा आप लोगों पे छिड़केंगे उतनी ही आपके अंदर से ज़्यादा खुशबू आएगी। तो हमें अपना अंदर महत्व रखना चाहिए, खुश इलाक होना चाहिए। और जितना हम किसी से अच्छे तरीके से पेश आएंगे, हर कोई हमें उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत देगा और हमारी केयर करेगा। और अल्लाह पाक आप सबको आबाद रखें, खुश रखें और अपनों के साथ रखें हमेशा। हर एक इंसान में कोई ना कोई ऐसा एक बंदा ज़रूर होता है जिसे वो हर चीज़ से ज़्यादा उसे अहमियत देता है, उसे फोकियत देता है। सबकी लाइफ में ज़रूर होता है, अब मैं कुछ खास नाम नहीं लूँगी। इसी मौके पे मुझे जो है एक शेर याद आ रहा है, आज दिल चाह रहा है, दिल खुश है, तो दिल चाह रहा है आपके साथ थोड़ी सी शायरी की जाए, तो मैं आपको भी एक शेर सुनाती हूँ। और ये भी मैं बताती चलूँ कि ये शेर मैंने नहीं बनाया, ये मैंने किसी का कॉपी किया है। ये जिसने बनाया है अगर वो सुन रहा है तो मुझे माजरत, क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग में पढ़ लिया, मुझे अच्छा लगा इस वजह से मैंने लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं हुआ तो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। वो शख्स बहुत प्यारा है मुझे उससे कहना, वो शख्स बहुत प्यारा है मुझे उससे कहना, वही जीने का सहारा है उससे कहना। लोग बहुत प्यारे हैं मुझे पर वो सबसे प्यारा है मुझे उससे कहना। कैसा लगा आपको मेरा ये शेर मुझे ज़रूर बताइएगा। जिस दिन खुश होता है दिल तो हर चीज़ अच्छी लगती है। आज दिल खुश है, मुतमईन है दिल, तो
तबीयत भी माशाल्लाह से अच्छी रहेगी। थोड़ा सा भी लिप्स के ऊपर निशान रह गया है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। मल्टीवाइटमिन मैं ले रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी आप सब की दुआएं मेरे साथ हैं, और मुझे ऐसे ही आपकी दुआएं, आपका क्लोज, आप लोगों की भक्ति चाहिए। आप जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लोग मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे ये पूछते हैं कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है, तो किसी दिन जो है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो, एक ब्लॉग बनाना है कि मेरी लाइफ में पहले मैं क्या थी, इससे पहले शादी से पहले मैं क्या थी, मैं कौन सी जॉब करती थी, मैं कहाँ रहती थी, और शादी कैसे हुई, और किड्स के बारे में, और उसके बाद जो है यूट्यूब क्यों मैंने ज्वाइन किया, ये सब शेयर मैं आपके साथ करूँगी कुछ टाइम के बाद। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन जमा हो गए हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह उन सब सवालों का आपको जवाब दूँगी। तब तक के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, और जिनके रिप्लाई मैं नहीं कर सकती उनसे मैं माजरत, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है बच्चों के साथ, और फिर ब्लॉग भी बनाने होते हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं एक ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी। आप सब लोगों के जितने भी सवालात हैं उन सब का मैं जवाब दूंगी। आप सब खुश रहिएगा और ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। और काफ़ी सवाल ये भी आ रहा है मुझे कि आप अपना होम टूर कराएं, तो कुछ चीज़ें हैं मुझे अलाउ नहीं हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल जो है आप लोगों को होम टूर नहीं करा सकती। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि आप अपनी जो है शादी की पिक्स भी शेयर करें, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो सीक्रेट ही रहने दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं एक मैरिड औरत हूँ, तो मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड और कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जो है कुछ चीज़ें जो हैं मैं सब शेयर नहीं कर सकती। हाँ, कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ अपने घर की, अपने होम टूर, अपनी फैमिली और सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप थोड़ा सा मुझे ऐसे जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, काफ़ी टाइम के बाद मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होकर बात की है। तबीयत माशाल्लाह से आज अच्छी थी, तो दिल बहुत खुश था, तभी मैंने कहा कि मैं आज अपनी YouTube फैमिली से बात कर लूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। अब आपने मेरे फैमिली ब्लॉग को ज़रूर पसंद करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें। आपके सपोर्ट की मुझे नीड है, आपके प्यार चाहिए, आपकी मोहब्बतें चाहिए मुझे। ऐसे मुझे आप लोग दुआ में याद रखिएगा, और अब मेरे ख्याल में मुझे इजाज़त है, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, बातें तो मेरी आप लोगों के साथ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। तो अब टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, अपनों के साथ रहें, आबाद रहें, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करना, कुछ नहीं रखा लड़ाइयों में। जैसे अल्लाह से हम तवक्को रखते हैं कि हम अपने गुनाह के बाद उससे माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें माफ़ कर देता है, इसी तरह हमें भी जो है लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। दिलों में नफरत रखने से जो है दिल भी काले हो जाते हैं और नफरतें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी अच्छे प्रोग्राम के साथ अब मुझे इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।